हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हैरी सर क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एक नया वर्ड सीखने वाले हैं, दैट इज स्लीप, और स्लीप से रिलेटेड सिनोनिम्स जानेंगे। दोस्तों, आपकी भिन्न भिन्न परीक्षाओं के लिए, एसएससी या फिर अदर्स एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम्स या फिर अलग मीनिंग जैसे किप हुआ, निप हुआ, नैप हुआ, स्नूज हुआ, ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत सारे वर्ड्स स्लीप से रिलेटेड करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हिप्नो का मीनिंग। दोस्तों, हिप्नो एक वर्ड है जो लेटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है टू स्लीप, और हिप्नो से कई सारे अच्छे अच्छे वर्ड निकलते हैं। हालांकि उनमें से मैंने बहुत कम ही लिए हैं आपके सामने। कभी मैं रूट वर्ड्स पढ़ाऊंगा तब आपको और बताऊंगा, लेकिन अभी ये वर्ड्स देखिएगा। हिप्नो वेट, हिप्नोटाइज, हिप्नोलॉजी, हिप्नोफोबिया, हिप्नोज एंड हिप्नोथेरेपी। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं, आप सभी का मीनिंग समझिए, क्योंकि डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। हिप्नोवेट हम उसे बोलते हैं जो नींद में चलता है, अस्लीप वॉकर, यानी कि सोमनाम्बुलिस्ट, इसके लिए दूसरा वर्ड है। एंड अदर वर्ड इज हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज का मीनिंग आप समझते ही हैं, किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है, सुला दिया जाता है। हिप्नोलॉजी का मतलब होता है, ये लॉजी है, साइंस है, यानी कि आप नींद की स्टडी करते हैं, इसमें नींद के बारे में पढ़ते हैं। हिप्नोफोबिया फियर फ्रॉम स्लीप होता है। और हाइपनोज का मतलब होता है गॉड ऑफ स्लीप। ये बहुत प्यारा वर्ड है। अगला वर्ड है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी में हम ऐसी थेरेपी जिससे हम नींद के द्वारा अदर बीमारियों का सॉल्यूशन करते हैं, उनको सही करते हैं। तो चलिए आगे की वीडियो में हम कुछ जनरल वर्ड देखते हैं, जिनमें सबसे पहला वर्ड है हमारा नैप। बहुत ही प्यारा वर्ड है नैप। नैप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें शॉर्ट टाइम के लिए सोना हो। अक्सर जब हम 1-2 घंटे के लिए सोते हैं तब हम नैप का यूज़ करते हैं, और इसके बाद हम रिलैक्स फील करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखिए। अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी एंड अ नैप, देन शी वुड फील बेटर। यानी बेटर फील करने के लिए हम नैप का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल से इसका मीनिंग समझते हैं। आई वुड लाइक टू गो टू द होटल एंड नैप फॉर अ बिट। यहाँ भी हम नैप का यूज रिलैक्सेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगला वर्ड देखते हैं स्नूज। दोस्तों, स्नूज का मीनिंग होता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो 1 घंटे की नींद लेना चाहते हैं, 15 मिनट की नींद लेना चाहते हैं, उस टाइम की नींद को हम स्नूज बोलते हैं। बहुत ही प्यारा वर्ड है। एक एग्जांपल देखिए, समझिएगा। एवरी मॉर्निंग व्हेन द अलार्म गोज ऑफ एट 7 o'clock आई हिट स्नूज। यानी कि सुबह के टाइम की स्नूज की बात कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड नया वर्ड है ड्राउज। ड्राउज भी आपने सुना होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लेते हैं। टू स्लीप लाइटली, बी हाफ स्लीप, और डोज। डोज भी एक वर्ड है जो इसका सिनोनिम्स बनता है, क्योंकि इन सभी का एक ही मीनिंग होता है। जब हम थोड़े समय के लिए सोते हैं, जब हम नैप लेते हैं, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तब हम ड्राउज का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसका मीनिंग। वी वर कंटेंट टू ड्राउज इन द वॉर्म सनलाइट ऑन द बीच। हम सनलाइट यानी कि बीच पर सनलाइट में हम ड्राउज लेने की बात कर रहे हैं, तो ड्राउज हम तब यूज करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। इन द मिडल ऑफ माय ड्राउज आई ओपन माय आई सेंसिंग एन अनफेमिलियर स्ट्रिंग। तो यहाँ भी हम मिडल ऑफ द ड्राउज, मतलब ड्राउज के बीच में, थोड़े से समय की नींद होती है उसके बीच में। तो इस तरह से हम 3 वर्ड कवर कर चुके हैं। अगला वर्ड है हमारा सिस्टम। दोस्तों, बहुत ही प्यारा वर्ड है, क्योंकि SSC ने इसे 3-4 बार पूछ चुका है। 1 वर्ड में ये पूछा जाता है। असल में हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम दिन में सोने वाले होते हैं। दिन में सोने की नींद को हम सिस्टा बोलते हैं। दिन में 1-2 घंटे की आराम करना है, आप उसे सिस्टा बोलिएगा। एक एग्जांपल से इसका मीनिंग समझते हैं। लॉट्स ऑफ पीपल वर टेकिंग अ शॉर्ट सिस्टा इन द शेड। शेड की बात करते हैं, शेड में कई सारे लोग शॉर्ट सिस्टा ले रहे हैं। ऑल द चर्च आर क्लोज फॉर लंच एंड सिस्टा, यानी दोपहर की नींद के लिए और लंच के लिए सभी चर्चों को क्लोज कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने समझा इसकी मीनिंग को। अब हम जानते हैं, जो दिन में सोते हैं या शाम को सोते हैं, तो जो झपकी हम लेते हैं 2-4 मिनट की, 10 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, उसके लिए हम कितने वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी तक जितने सारे वर्ड थे वो तो हम करते ही हैं। इनके अलावा किप, फोर्टी विंग, कैटनैप, डोज एंड ड्राउज, इनका भी हम यूज झपकी के लिए करते हैं। या तो हम बैठे बैठे सो जाते हैं, कई बार हम अलग तरह से सोते हैं। तो 1-2 घंटे की नींद या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। जहाँ किप का मीनिंग भी सोने होता है, फोर्टी विंग का मतलब भी सोना होता है, कैटनैप, और इन दोनों को आप जानते ही हैं। किप स्पेशली हम तब यूज़ करते हैं जब हम बेड पे नहीं सो रहे होते हैं, कुर्सी पे सो जाते हैं, उस समय के लिए हम स्पेशली किप का यूज़ करते हैं। और ये 1 घंटे
के आसपास लिया जाता है। और इसी तरह से 40 विंग का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बेड पे नहीं सो रहे होते हैं, कहीं और कुर्सी वगैरह पे सो रहे होते हैं, तो तब के लिए हम किप का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे क्लियर होंगे। आई हैव ओनली हैड 1 आवर किप, तो यहाँ 1 आवर किप की बात कर रहे हैं 1 घंटे की नींद के लिए। जैसे मैंने बताया था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं किप का। आई फेल्ट अ लॉट बेटर आफ्टर आई हैड 40 विंग। 40 विंग जैसे कि आप दिन में सो जाते हैं और दिन में एक चेयर पर सो जाते हैं या फिर कहीं और सो जाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। अ कैट नैप एट अ लंच टाइम कैन मेक यू फील रिफ्रेश, तो ये कैट नैप भी रिफ्रेश के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है स्लम्बर। स्लम्बर जिसका मीनिंग होता है, स्लम्बर जो वर्ड है असल में ये सोने का मीनिंग नहीं देता, ये डोरमेंसी को दिखाता है। मतलब ऐसी कोई स्थिति हो जिसमें आप कुछ करने ना वाले हों, बस ऐसा फील होता है कि बस थोड़ी देर रिलैक्स रहें, शांत रहें, तो उस डोरमेंट स्टेट को हम या क्विसेंट स्टेट को हम स्लम्बर से दर्शाते हैं। आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड फॉलन इंटू एग्जॉस्टेड स्लम्बर, यानी कि उसे एग्जॉस्टेड स्लम्बर में है, इस स्थिति में है। आई फेल इंटू ए जेंटल स्लम्बर। स्लम्बर, हाँ स्लम्बर के लिए ये भी याद रखें कि स्लम्बर जेंटल, पीसफुल, एग्जॉस्टेड तीनों हो सकता है, डीप भी हो सकता है। तीनों एग्जाम्पल आपके सामने ही हैं। अगला जो वर्ड है वो बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज रिपोज। दोस्तों ये वर्ड भी SSC ने पूछा है और मुझे ये बहुत प्यारा वर्ड लगता है, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी लगेगा, क्योंकि जब आप बहुत लंबी नींद लेते हो, सपोज दैट 1-2 घंटे से छोड़ के 8-9 घंटे की नींद, और वो कंप्लीट नींद होती है, उसको हम बोलते हैं रिपोज। मीनिंग देखिए, फ्रीडम फ्रॉम एक्टिविटी एक मीनिंग ये कैरी करता है। सेकंड, अब्सेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड एंगजाइटी, यानी कि एंगजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, इसमें सब खत्म हो जाता है। लीन इन ए कंफर्टेबल रेस्टिंग पोजीशन, और जब आप कंफर्टेबल रेस्टिंग पोजीशन में होते हो तो आप रिपोज यूज कीजिएगा। तो आप भी जब भी आपको स्लीप की जगह रिपोज यूज करना हो, अच्छी नींद की बोलना हो, तो आप रिपोज ही यूज कीजिए। इसके एग्जाम्पल देखिएगा। द फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग सन डिस्टर्ब देयर रिपोज, यानी कि उसने 8-9 घंटे की नींद ली कंप्लीट, और वो रिपोज को किसने डिस्टर्ब किया, फर्स्ट रे ऑफ मॉर्निंग। यू शुड नॉट डिस्टर्ब हर रिपोज, यानी कि तुम्हें उसकी नींद को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल आपके सामने ही हैं। दोस्तों अब आप रिपोज का यूज़ करना सीख चुके हैं, आई थिंक आपको ये वर्ड क्लियर होगा। अगला वर्ड अगेन बहुत प्यारा है, दैट इज हाइबरनेट। दोस्तों इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब कोई जानवर वगैरह, जैसे आपने सुना होगा कई सारे जानवर हाइबरनेट कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि ठंडों के टाइम पर या फिर गर्मियों के टाइम पर वो ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर पाते, ठंड सहन नहीं कर पाते, तो वो जम जाते हैं। मरते नहीं हैं, उनकी डेथ नहीं होती, लेकिन वो जम जाते हैं। तो इसी तरह से मीनिंग है ये टू बी इन ए डॉर्मेंट और टॉर्पिड स्टेट ड्यूरिंग अ कोल्ड पीरियड, यानी ठंड में उनका डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। बैट आर सोशल नॉक्टर्नल एंड दे माइग्रेट टू ए वार्मर क्लाइमेट और हाइब्रिड, यानी कि जो चमगादड़ हैं या तो वो गर्म स्थान पर चले जाते हैं या फिर अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत प्यारा वर्ड आपका कवर हुआ। अगला वर्ड हम कॉमाटोज यूज करेंगे। दोस्तों कॉमाटोज भी बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लैकिंग अलर्टनेस, यानी कि आप एक्टिव नहीं होते हो। कॉमाटोज मतलब सुप्त अवस्था में होते हो, सुप्त या फिर समझिए आलसी अवस्था में। तो स्लगेस और टॉर्पिड जैसी स्थिति में अगर आप हैं तो आप कॉमाटोज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कार क्रैश विक्टिम वाज कोमाटोज, यानी बेहोशी वाली स्थिति में हो गया एंड अनेबल टू टॉक वाइल ऑन स्क्रेचर, तो जब वो स्क्रेचर पे था तो वो बोल नहीं सकता था, वो कोमाटोज यानी कि बेहोशी वाली स्थिति में चला गया। अगला वर्ड देखिए सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब हम करते हैं तब जब हमें आपको बताना हो कि कोई बंदा है वो किसी दूसरी वजह से स्लीप मोड में चला गया हो, या तो वो शराब पीने की वजह से या फिर कोई ड्रग की वजह से, तो वो सोपर एक ऐसी कंडीशन को बोलते हैं। कॉजिंग और टेंडिंग ऑफ कॉज डिसीज, यानी कि किसी वजह से स्लीप में जाना। एग्जांपल आप देख सकते हैं वाइल अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से सोपर एक कंडीशन में गया है। तो इस तरह से हमने इतने सारे वर्ड कवर किए। दोस्तों अब हम कुछ फ्रेज देखते हैं। ये सारे के सारे फ्रेज कैच सम, सटाए, गो टू बेड, हिट द हे, हिट द सैक, नो डॉग, ये सभी वर्ड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि इन्हें हर एग्ज़ाम कभी ना कभी पूछता है, रिपीट करता है।
चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की, इवन अगर आप डेली लाइफ में भी अगर आप बोलते हो किसी को आई हैव टू कैच सम सट आई, तो इसका मतलब भी आप समझ जाइए कि आपको कुछ नींद लेने की ज़रूरत है। आई एम जस्ट गोइंग टू बेड, आप ये भी बोल सकते हैं। हिट द हे एसएससी कई बार पूछ चुका है और ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसीलिए इस वर्ड को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, हिट द हे को। हिट द सेक ये भी एसएससी का मोस्ट फेवरेट वर्ड है, और एंड नो डॉट भी। दोस्तों इस तरह से हमने इतने सारे वर्ड्स कवर किए, अब मैं चाहता हूँ कि आप इन सब की वीडियो को पॉज करते हुए सारे वर्ड्स को नोट डाउन करें और प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करें। दोस्तों इस तरह से डायरी मेंटेन करके आप इन सब वर्ड्स का यूज़ करना भी सीखेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे, तो इसीलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आने वाली वीडियोज़ भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी जिनमें मैं इसी तरह के वर्ड्स डिस्क्राइब करूँगा। ये सभी वीडियोज़ का आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आता हो या फिर एरर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या फिर मुझे इस मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अलविदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।